ताकि
कि कुरान पढ़ना इबादत है, हम इसे भूल गए, दुनिया की बातों पर भूल गए। तो यही कुरान अल्लाह का कलाम है। जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं मदरसा या क्रिश्चियन में, उन्होंने सवाल जवाब पूछता है ताकि उनके नाम दिया जा रहा है, ताकि उनका हौसला हो। तो छोटे छोटे बच्चे को मालूम है कुरान पढ़ने से क्या फायदा, लेकिन बड़े पर सौ भी नहीं अगर टाइम नहीं मिलता, दोस्तों के साथ दो दो बच्चे बातें करता है, लेकिन मसीह का आकर कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। इसलिए मौत को भूल गया है, मौत को भूल गया है। कल अब्दुल रहमान साहब को कहे मेरी भी पार्टी आपकी पार्टी, कोई बचने वाला नहीं है, कोई बचने वाला नहीं है, मौत ध्यान रखना, इसलिए आखिर की तैयारी करो, थोड़े दोस्तों से दूर रहो, सिर्फ पाप के लिए मस्जिद में चले जाओ, कुरान को पढ़ो। देखो आका फरमाते हैं ये कैसे सुनो, यही जुबेदा खातून
बादशाह की बीवी है भागवत मसीह की, और वक्त के साथ नमाज को पढ़ती ताजुब गुजार की थी। बेलुल दाना ने यह अफसोस से धमकी देना चाहता हूं। बेलुल दाना ने जन्नत की बसारा का हरमाई कह लगा हरमाया वो दुबेदा खातून, वो दुबेदा खातून अपने बिस्तर पे लेटी अल्लाह 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 का जिक्र करती, जिक्रे खुदा और जिक्रे मुस्तफा करती करती उसकी आंख बंद हुई, आंख बंद हुई। जहां बेलुल दाना के थोड़े करीब जाओ कब्रस्तान में वहां वहीं पर उनकी कब्रें बात की, जो मेरा खातून की जो मौत ने खातून वो ख्वाब देख रही है, ख्वाब देखा आसमानी कायनात से परिंदे परिंदे आ रहे हैं और उसके आगोश में आ रहे हैं, जो बेटा खातून के आगोश में आ रहे हैं आसमानी का इलाज है परिंदे। अब खाब से बेदार हो गए, जब बेदार हुई तो खातमा को कहा देखो इस वक्त मेंढे भी बजा कर गया शेख इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला ने कभी भी बजा करी उन, ये बहुत देखते हैं कि ख्वाब की ताबीर जाहिरों से ना पूछो आलिमों से पूछो ख्वाब की ताबीर क्या हो, हाँ वटा उल्टा बता दो आलिमों से पूछो वो सही से ताबीर बताएगा। तो ये नेक खातून जुबेदा खातून ने अपनी खादमा को कहा शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला के पास जाओ और मेरा नाम ना लेना, क्या कहा आज तो हर आदमी चाहता है मेरी तारीफ करे मेरे से दिक्कत हो जाए बिगड़े को मन है बादशाह की बीवी है बगदाद की बादशाह की बीवी है लेकिन क्या कह रही है अपनी खादमा से ये कहना कि मैंने ये ख्वाब देखा अपने बिस्तर पे भी आसमानी कायना से सुखे परी से आ रहे मेरी आदत खादमा को सिखा दिया खादमा भी हजरत की बारगाही अस्सलाम वालेकुम कादरत मैंने ख्वाब देखा। अब क्या ख्वाब देखा आपके खाब में ये देखा कि आसमानी कायनात से परिंदे आ रहे और मेरी आंखों से है। जब ये कहा ना तो अल्लाह के वली को सब मालूम होता है, आलिमों के पास जाओ तो भगवान को मंटर रखो वली की बात दिल को कर रही दिलों के जासूस होते हैं। खाब जब बयान किया तो शेख मोहम्मद फरमाते उस आत्मा से जो मिला खाब कि ये खाब तो तूने नहीं देखा तब सुधार लगा है, क्या कहा तू जो दावा कर रही है तूने नहीं देखा अगर नहीं मैंने देखा आदमी मैंने देखा तूने नहीं देखा इसलिए उसकी दादी ये बता रही है क्या बता रही है का तेरा सच बता के खाब किसने देखा तूने तो नहीं देखा हम तो मानते देखा ये खाब देखा नहीं किसी का लेकिन देखो अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला उस आत्मा से कहते कि तूने नहीं देखा सच बता अब कहा जब जो मेरा खातून ने देखा है तो कहा ठीक है अब तो तू बताता हूं इसलिए कि जो खाद की ताबीर बड़ी आत्मनिक कायनात से आना इसलिए कि वो अमीर शख्स देख सकता है गरीब नहीं तो उसकी ताबीर क्या है का ऐसा दिन का काम अल्लाह लेगा कि पूरी दुनिया में ये नेर हम अरफात तक चला ले क्या करें अब देखो ये खाद की ताबीर आज भी वो नेर मैंने देखी जो मेरा खातून नेर कहा जाता है बगदाद करिए गजदा से चलाई गई और अरफात खुदा तक पहुंच गई कबर सुहा करना ये दीन का काम लेकिन इतनी बड़ी जाने में कितना कर एक फुट बना दे करोड़ों के पास कितना खजाना चाहिए ले जाओ क्या है अब देखो जो मेरा खातून जितना खजाना चाहिए ले जाओ ढेर सारे हम कहते हैं कि इतना भी सोना चोपड़े भर गए जब
ये नहर पानी की तो सब रजिस्टर लेके आए, कहा कि मलका ये है, ये मीन सब का नहीं। दुआ की अल्लाह मैंने तेरे बंदों के लिए नहर खोदवाई है, जो हाजी परेशान होता है और जितने भी गांव आते हैं परेशान होते हैं इसलिए पानी ले पाई। अल्लाह ये हिसाब में लिखा तो है मेरे खाते में लेकिन गलत नहीं रही, इसे दरिया जंदा में डाल दो। अल्लाह मैंने भी हिसाब नहीं कर मुझे तो मेरे हिसाब बख्श देना, सुखा लेना, हमें हिसाब बख्श देना, तब सही बनी अल्लाह बनेगा। तो ये दिन का काम का ये खाब किताबे की सेट पाओ। अब आओ इमाम जाफर सादिक उनके जो नई करामत नई पाते नई करामत नई पाते कहां से होगी, आपका हुसैन मौला हुसैन दुनिया में आए हैं, उनके आने से पहले चर्चे हो रहे, आका हुसैन की मोहब्बत ये ताकीद किस पर, अगर कोई अमीर हो गया तो उसके पैर के तो गए ना, तो ये अल्लाह की निगाह में दखल करना है, याद रब के लिए अपनी नफ्स के लिए नहीं। ये नफ्स क्या है सुनो, ये नफ्स किसी को छोड़ता नहीं, आली को या चाहे दौलतमंद हो या गरीब हो, ये नफ्स किसी को नहीं, इसलिए जो ससद आ जाए किसी को इज्जत भी नहीं मार भी ना, ये नफ्स को जब अल्लाह ने भेजा तो नफ्स क्या है सुनो। इमाम बिलाल फरमाते हैं दोस्तों पढ़ो तो पता चले कि नफ्स को कंट्रोल किया वो कामयाब हो गया, वो वली हो गया, नफ्स से हमारा, लेकिन ये नफ्स को अल्लाह ने पैदा फरमाया, क्या ये सुनो, नफ्स को अल्लाह ने पैदा फरमाया, जब अल्लाह ने तमाम गर्दियों की रूह पैदा फरमाई ना तो अल्लाह ने फरमाया मैं कौन हूं, और ने कहा अलू अल्लाह का रब है, लेकिन नफ्स को पैदा फरमाया तो नफ्स को अल्लाह ने फरमाया मैं कौन हूं, तो नफ्स क्या कहता है, हलू मैं, नफ्स कहता है तू तू है मैं हूं अल्लाह, ये नफ्स है किसी के सामने झुकता नहीं है, अपने आप को तो समझता और अल्लाह वाले के खाक सारे होते हैं हाँ, लेकिन आदमी नफ्स मैं नफ्स खुद बोला मैं हूं तू तू एक खुदा अल्लाह अल्लाह जलाल ना याद रखो, रब जलाल ना गया तो फरिश्तों से पकड़ाओ जहन्नम में डालो, अल्लाह कहां डालो, हाँ नफ्स की बात ना मानो याद रखो, खाक सारे देता है नफ्स को अल्लाह ने हुक्म दिया इसको पकड़ो जहन्नम में डालो, 100 साल 200-300 साल जन्म से कहा बाहर निकालो, नफ्स को बाहर निकालो, फिर अल्लाह ने पूछा मैं कौन हूं, फिर नफ्स बोली मैं हूं तू तो अल्लाह, अरे नबी अल इंसान ने कहा कि तू हमारा है, ये नफ्स 300 साल चलने के बाद भी अकड़ के खड़ी है, हाँ इंसान मरते दम तक हार नहीं है हार नहीं मानूंगा, अरे भाई झुकने में अल्लाह राजी हो जाता है, और आगे फरमा दे जिसने पहले सलाम कर दिया ना सलाम हो तो मेरे दिल में तो चला जाएगा, लेकिन ये नफ्स बोलते थे सलाम करने नहीं देते, अल्लाह के सामने वही नफ्स बोलती है अल्लाह मैं हूं तू कोई अल्लाह अल्लाह सलाम मेरे पर सलाम करने आया, जलती है नफ्स लेकिन उसका तकबर उसका गुरूर नहीं जाता, शैतान खाओ शैतान को शैतान क्यों बना, शैतान की चीज क्यों बना, मैंने सोचा कोई ऐसी जगह नहीं जो इबादत ना हो, सजदा नहीं किया कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन सिर्फ तकबर आ गया, अल्लाह ने कहा था कि सजदा करो किसको नूरे मोहम्मद है, अगर आदम को भी ताजी में सजदा था पहले की गर्मी में होता था हराम में नहीं कहा, जन्नत जन्नत से निकाला गया, तो ये तकबर है उसके तकबर ने जन्नत में डाला जाएगा तो तकबर है। अब 300 साल के बाद वही रूह वही नफ्स अल्लाह के साथ, अल्लाह ने बोला मैं कौन हूं, अल्लाह तू तू है बे में अल्लाह, अब अल्लाह को कैसे बोझ डालो, बोझ डालो नमाज का बोझ रोजे का बोझ इबादत का बोझ डालो, जब बोझ डाला अब अल्लाह ने फरमाया मैं हूं का अल्लाह को मेरा भाई तब सुधार मिला, ये बहुत ही नफ्स बोली थी और ये दूसरे अल्लाह का सलेगा इमाम जाफर सादिक के पास मेरे लेवल के पास बात कर, इमाम जाफर सादिक हज के लिए गए, अल्लाह हो अल्लाह हो, हम क्या करते जाने से मेरे को मिलेगा दोस्तों को बैठे हैं, और अल्लाह वाले जाते तो क्या करते सना सेल्फी हम लेते वहां जाते सेल्फी वहां सेल्फी ले तुम कहां जा रहे थे, अल्लाह के इमाम अल्लाह के इमाम हुसैन